हाय एवरीवन, आप सभी का फिर से एक नई वीडियो के अंदर स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि मोबाइल से यूट्यूब चैनल के लिए एक लोगो कैसे बनाया जाता है। तो लोगो बनाने के लिए मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन को यूज़ करूँगा। इसको ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने आ जाएगा। उसके बाद जो टेक्स्ट पहले से है इसको टेक्स्ट को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। सो आज के इस वीडियो में मैं स्क्रिप्ट एक्सप्लेनर नाम का एक चैनल का लोगो बनाने वाला हूँ। तो उसके लिए बनाने के लिए सबसे पहले हम प्लस लाइक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। टेक्स्ट को ऐड करने के बाद जो आपका स्क्रिप्ट पर जिसकी एस उसको लेंगे और एक्सप्लेनर का ई ले लेंगे। जो भी आपका चैनल का नाम हो उसका हम एक एक डिजिट ले लेंगे। उसके बाद ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ से खींच के यहाँ पर लंबा कर लेंगे ऐसे खींच के। उसके बाद इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट पर ए बी पर जाएंगे। मैं आज का इस वीडियो में जो फॉन्ट यूज़ करना है उसका नाम है द डार्कनेस, जो अपने गूगल पर सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इस पर हम क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। ये फॉन्ट इसका नाम द डार्कनेस नाइट को यहाँ से लंबा करेंगे, यहाँ से खींच अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम इस पर यहाँ पर क्लिक करके एक बार इसका जो कलर है इसका कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। उसके बाद हम आगे में इसका कलर चेंज करेंगे। अभी ब्लैक करेंगे, ओके पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। इसका कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद इसको यहाँ पर एडजस्ट करके थोड़ा सा और लंबा कर लेंगे। उसके बाद इस टेक्सचर पर क्लिक करने के बाद इसको हम यहाँ से लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद ये पूरा सा हिलेगा भी नहीं, हल्का सा भी नहीं हिलेगा। उसके बाद हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो सेप है सेप को चुन लेंगे। सेप हम इसको यहाँ पर ये को जो डायमंड टाइप का सेप है उसको हम यहाँ से चूज़ करेंगे, ओके पर इनेबल कर देंगे। इसको यहाँ पर इसका हाइट और चेंज करते हुए खींच के लंबा कर देते हैं ऊपर से। उसके बाद इसको यहाँ से रोटेट करेंगे। यहाँ से रोटेट करने के बाद इसको यहाँ से एडजस्ट कर देंगे, यहाँ से ऊपर करके खींच के। यहाँ से जो लगे बीच से कटा हुआ ऐसा एडजस्ट करना है, बीचों बीच इनको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर कलर पर क्लिक करेंगे। इसको यहाँ से इनेबल करके ब्लैक कलर को चूज़ करके यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। इसको यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पर टिक मार्क करेंगे। दोनों पर टिक मार्क हो जाएगा, फिर ओके पर यहाँ पर मर्ज पर क्लिक कर देंगे। ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएगा और ये आपस में हिलेगा भी नहीं। उसके बाद हम जो इस वाले पोर्शन को जो एक्स्ट्रा आ गया इसको और ये वाला, ये तीनों को हमको रिमूव करना है। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सेप में जाएंगे। सेप में जाने के बाद हम ये सेप को यहाँ पर छोटा करके यहाँ पे इसको बीचे बीच में यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से लॉक कर देंगे। फिर इसकी यहाँ पर एक कॉपी बना लेंगे। फिर जो हम जो कॉपी बनाए थे उसको यहाँ से खींच के लाने के बाद इसको यहाँ पर थोड़ा सा साइज छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। इसके ऊपर लगा देंगे हम यहाँ पर। फिर उसको फिर यहाँ पर फिर यहाँ से इसको भी लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद फिर से हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। शेप्स में जाएंगे। शेप्स में जाने के बाद हमारे इस पर ट्रायंगल शेप्स को चूज़ करना है। ट्रायंगल शेप्स को चूज़ करेंगे और यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसका भी साइज छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट करेंगे और यहाँ पर लगा देंगे। इसे भी यहाँ पर आके लॉक कर देंगे। प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, शेप्स में जाएंगे। यहाँ पर इसको यहाँ इनेबल करके ओके कर देंगे। यहाँ पर इसको इस जगह पर इस पर एडजस्ट करेंगे। यहाँ पर इसको रोटेट करके यहाँ पर एडजस्ट ये हो चुका है। उसके बाद हम इरेज कलर में जाएंगे, यहाँ से इसको इनेबल कर देंगे। जो हम व्हाइट वाला पार्ट दिए थे वो सब कुछ रिमूव हो चुका है। इसको यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम पेंसिल ब्लैक पर क्लिक करके इसकी एक कॉपी बना लेंगे। ये कॉपी बन चुका है। अब हम यहाँ पर क्लिक करके ये जो पिछले वाले कॉपी को इसको यहाँ से हाइड कर देंगे। आई ब्लैक पर क्लिक कर देंगे। इस पर फिर यहाँ से इनेबल कर देंगे। फिर इसको यहाँ पर साइज में सेट करेंगे और उसके बाद प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। शेप्स पर जाएंगे। शेप पर जाने के बाद ये जो शेप है इसको हम अब करेंगे रेक्टेंगुलर साइज में खींच के लंबा कर देंगे। उसके बाद इसको यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर इसको यहाँ पे बीचों बीच में इसका सेट करेंगे। इस साइड से लगेगा कटा हुआ है, ऐसे खींच के लंबा करके इसका बीचों बीच में यहाँ पे सेट करेंगे ऊपर से। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कैसे सेट करना है। यहाँ पर से ऐसे बीचों बीच में यहाँ कट मारना है, इस साइड में भी और इस साइड में भी कट मारना है। फिर इसको यहाँ से इनेबल करेंगे और यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। अब हम जो है इन दोनों पार्ट को आपस में मर्ज करेंगे। इसको यहाँ से क्लिक करके इसको यहाँ इनेबल करके यहाँ ओके पर क्लिक कर देंगे। ये दोनों आपस में मर्ज हो चुके हैं। अब हम इस पर यहाँ क्लिक करेंगे। अब हम इरेज कलर पर जाएंगे। इरेज कलर पर जाने के बाद हम इसको यहाँ से इनेबल कर देंगे। अब ये आधा बीचों बीच कट हो चुका है। वैसे दूसरे पार्ट को भी वैसे ही करके यहाँ पे सेट कर लेंगे और उसको यहाँ पर यहाँ इरेज कलर में जाके इसको भी इनेबल कर देंगे। ये बस दोनों पार्ट सेट हो चुका है। उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करके दोनों पार्ट को यहाँ पर ला देंगे। आपस में ही दोनों आ चुका है। अब हम इसको कुछ इस तरह गैप में रखेंगे। फिर हम प्लस प्लस की जाएंगे, सेफ पर जाएंगे। सेफ पर जाने के बाद हम इसको यहाँ पर एक छोटा सा बिंदु सेफ यहाँ पर इनेबल करेंगे फर्स्ट वाले पार्ट पर और यहाँ पर एक कॉपी बना लेंगे और एक और सेफ्स यहाँ पर ऐड करेंगे दूसरे वाले पार्ट पर। ये दूसरा जो पार्ट है इस पर यहाँ पर ऐड कर लेंगे। फिर उसके बाद हमको मर्ज करना है पहले वाला जो बॉक्स है पहले वाले पार्ट के साथ और दूसरा वाला जो बॉक्स है दूसरे वाले पार्ट के साथ मर्ज करना है। इसको यहाँ से मर्ज किए और दूसरे वाले को यहाँ से मर्ज कर लेंगे। उसके ऊपर क्लिक करेंगे। ये हमारा मर्ज हो चुका है आपस में ये दोनों। अब ये हिलेगा नहीं।
उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट पर जब जा जाएंगे, टेक्स्ट पर जाने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे जो स्टीम लाइट, इसको आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर इसको ओके पर कर देंगे, फिर यहाँ पर इनेबल करेंगे और यहाँ पर अपने समय मेंटेन करके ओके पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद फिर से हम दूसरे वाले आइकन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद फिर से टेक्सचर पर जाएंगे। टेक्सचर पर जाने के बाद फिर यहाँ पर क्लिक करके ये रेड वाला आइकन, इसको यहाँ पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देंगे। फिर टेक्सचर पर जाकर यहाँ पर इनेबल कर लेंगे और इसका स्केल जो है इसको यहाँ पर रेशियो देख के ओके पर क्लिक कर लेंगे। ये दोनों हमारा हो चुका है, इसको दोनों को आपस में यहाँ से मर्ज करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। ये मर्ज भी हो चुका है हमारा आपस में। अब हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह करेंगे, इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब इसका जो है 3D शेप पर जाएंगे हम, यहाँ पर 3D शेप पर यहाँ पर इनेबल करेंगे। इसका जो डिप्थ है इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा के देख लेंगे। यहाँ से यहाँ पर डिप्थ अराउंड 14 रखते हैं। फिर डार्कनेस हम 65 कर देते हैं, अराउंड 65 कर इनमें ओके पर क्लिक करेंगे। इम्बूज पर यहाँ पर क्लिक करके इसमें इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद उसका जो है रेशियो यहाँ पर इंटेंसिटी इसको रहने देंगे 80% पर, ठीक है। इसके बाद जो बीविल है इसको आप 1 कर देंगे। स्पेसिकल हार्डनेस को 85 अराउंड करके अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे। 55 के अराउंड करने के बाद एमबी लाइट जो है इसको भी यहाँ कर देंगे। और इंटेंसिटी इसको यहाँ पे जो लाइट एंगल है इसको यहाँ पर एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से, जिसके इसमें ग्लो आएगा। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम जाएंगे स्टॉक, स्टॉक पर क्लिक करेंगे, इनेबल पर क्लिक कर देंगे। स्टॉक हम यहाँ पर जो अपने हिसाब से दे सकते हैं, यहाँ पर स्टॉक हम ब्लैक पर दे के ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद 3 डॉट पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है इसका यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक बाद जो है ये आज का जो बैकग्राउंड हम उसको ये वाला यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद फिर से हम 3 डॉट पर यूज़ करेंगे, इमेज साइज पर जाएंगे। इसका इमेज साइज पर यहाँ कस्टम पर क्लिक करेंगे और इसका इमेज साइज प्रोफाइल पिक्चर पर ओके पर क्लिक कर देंगे। इसको सेव करने के लिए हम सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करने के बाद इसका जो क्वालिटी है इसको हम अल्ट्रा कर देंगे। अल्ट्रा करने के बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देंगे। थोड़ा रेंडरिंग होगा, ये सेव हो जाएगा हमारा गैलरी में। सो आज का हमारा ये लोगो बनके तैयार हो चुका है। आपको ये लोगो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से किसी ऐसे वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत एंड वंदे मातरम।